अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिसबाउल हक ने पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो है वो लीग्स खेलने के लिए एनओसी देने पर जो है वो क्रिकेट बोर्ड को जो है वो निशाना बनाया है कि बड़ा बयान दिया है। यहाँ जो है वो मिसबाउल हक ने क्रिकेटर्स के खिलाफ क्या बयान दिया, आपको तमाम तरह डिटेल से जो है वो आगे आके आ जाएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने बोर्ड की अदम तसलसल की पॉलिसी पर एतराज़ करते हुए कहा कि गैर मुल्की तो क्या अच्छे मकामी कोचेस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ काम करना नहीं चाहते। नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक हेड कोच और साबिक चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने कहा कि आलमी कप में अमेरिका और वेस्टइंडीज की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए साजगार हैं, लेकिन पाकिस्तान को अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में कौमी टीम के हवाले से तजावीज़ देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं और बेहतरीन बैटर्स भी दस्तयाब हैं, तहम स्पिन के शुबे में तवज्जो की ज़रूरत है। खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले लीग्स की एनओसी नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि टीम टेस्ट क्रिकेट का अपना मुकाम है, टी20 क्रिकेट से टेस्ट नहीं वनडे क्रिकेट मुतासर हो सकती है। टेस्ट में कारकर्दगी की बदौलत वेस्ट इंडीज़ का शमर जोसेफ सबका हीरो बन गया है। दोस्तों, साबिक कप्तान ने कहा कि पीसीबी टेक्निकल कमेटी का अब वजूद नहीं, कमेटी इस वक्त तक थी जब डायरेक्टर नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट में एड हॉक अजम नुकसानदा है, आला सतह पर तब्दीली से दीगर तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए, अदम तसलसल की वजह से तवील मनसूबा बंदी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, यहाँ जो है वो मिसबाउल हक ने जो है वो बड़ा बयान दिया है। आप मिसबाउल हक के इस बयान के बारे में जो है वो क्या कहना चाहेंगे, जो आपने अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर पेश करनी है। और वाकई जो है वो पाकिस्तान टीम में वो खामियां हैं जो मिसबाउल हक बता रहे हैं।